हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ गुलफाम और आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जिसकी हिस्ट्री मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ। आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की एक बहुत ही तारीखी इमारत में। यह हवेली चरण सिंह बनारसी शाह के नाम से मंसूब है, लेकिन जो मालूमात हमें मिली है, इस हवेली के मालिक का नाम लाभ सिंह था। लाभ सिंह के नाम से ही इस सड़क का नाम लाभ रोड पड़ा, जो बाद में तब्दील होकर बुखारी रोड रखा गया। यह हवेली गुजरांवाला के रेलवे स्टेशन के पास वाक़िया है। कम से कम 150 साल पुरानी यह इमारत आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ी हुई है। इसकी तमीर में टाइल्स वर्क और शीशे का काम नजर आता है, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि बिल्डिंग में आज भी लकड़ी और शीशे का काम इसकी असल हालत में देखा जा सकता है, जो अपनी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। यह हवेली बाबा लाभ सिंह की मलकियत थी, जिसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले एक हिंदू फैमिली को बेच दिया। पार्टीशन के बाद वो फैमिली आगरा शिफ्ट हो गई। तकसीम हिंद के बाद इसे पाकिस्तान में चौधरी नूर अहमद ने खरीदा और बाद में ये उनके वर्षा के जेर इस्तेमाल रही। 60 साल हो गए सर। अच्छा, माशाल्लाह कोठी सी वेखण लग जिनू कहंदे ने जी, ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਫੁਹਾਰੇ ਚਾਲਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਦੇ ਬਾਸ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀ ਸਾਸ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਆ, ਬਾਗ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਸਕੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। उसके बाद इस हवेली को एज अ पासपोर्ट ऑफिस जो यूज किया जाता रहा बहुत देर, लेकिन जब मैनुअल पासपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया तो उसके बाद में इस हवेली को बस ऐसे ही इसकी हालत पे छोड़ दिया गया। अभी हमारी थोड़ी तजवीज़ ये है कि गुजरांवाला में कोई म्यूजियम या कोई उसके अलावा आर्ट गैलरी मौजूद नहीं है, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ पे कोई आर्ट गैलरी या के एक बहुत अच्छा सा म्यूजियम बनाया जाए, जिससे एक तो ये इमारत जो है ये प्रिजर्व हो जाएगी और दूसरे नंबर पे लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है वो एक और जगह गुजरांवाला में ऐड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थी इस हवेली की छोटी सी दास्तान, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।